हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लांबाज आपके साथ बहुत सी यूनिवर्सिटियों के बारे में पीएचडी नोटिफिकेशन आई है वो डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है वो तेजपुर यूनिवर्सिटी है, इसमें पीएचडी की नोटिफिकेशन आई है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोस्पेक्टस है वो पीएचडी स्प्रिंग आपकी 2021 के लिए आया है, मतलब कि ये सेशन आपका यहाँ पर रहता है। इसमें आपकी सीट्स की बात करें तो आपकी ये जो सीट्स हैं आपके इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटिक्स, सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट स्टडीज, साइंसेज में आपकी सीट्स देखने को मिलती हैं। और ये तेजपुर यूनिवर्सिटी में आपका ये जो परफॉर्मा है ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके सभी चीज़ें देख सकते हैं। ये आपका स्प्रिंग सेशन का देखने को मिलता है। सेकेंड यूनिवर्सिटी हमारी है वो आपकी गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, जो कि बांसवाड़ा में है और ये आपकी राजस्थान में स्थित है। इसमें आपकी यहाँ पर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट भी होगा और उसके साथ साथ जो एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। 7 तारीख को, 7 मार्च को आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, यानी कि मंथ ऑफ एग्जाम यहाँ पर डेट भी मेंशन की हुई है। 10 तारीख, 10 फेब से पहले पहले आप अप्लाई जरूर कर दें। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका जैसे सबका होता है वैसे ही 55% आपके नंबर चाहिए, उसके साथ साथ आपके 5% रिलैक्सेशन भी दी हुई है। एग्जेम्पशन जो भी यूजीसी, सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ, क्लैट, गेट, एमफिल प्रोग्राम क्वालिफाइड हैं या फिर जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर एग्जेम्प्टेड दिया गया है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट से। रिजर्वेशन अपने सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेगी। थर्ड जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी कोटन यूनिवर्सिटी है। ये कोटन यूनिवर्सिटी में भी आपका पीएचडी नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ये यूनिवर्सिटी है ये गुवाहाटी आसाम में स्थित है। और इसमें आपकी जो नोटिफिकेशन है एडमिशन पीएचडी के रिगार्डिंग, उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो बहुत से आपकी अर्थ साइंस की फैकल्टी है, उसके साथ साथ जो फैकल्टी है आपकी ह्यूमन एंड सोशल साइंस की इनमें देखने को मिलती है, लैंग्वेजेस की, लिटरेचर की देखने को मिलती है, लाइफ साइंसेस की और भी आपकी जो फिजिकल एंड केमिकल, मैथमेटिकल सर्विसेज की भी आपकी फैकल्टी इन सब्जेक्ट्स में आपके यहाँ पर सीट्स मिलती हैं। इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। इसमें आपका जो रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट होगा और उसके साथ साथ यहाँ पर जो भी आपके डिपार्टमेंट वाइज वाइवा वॉइस यानी कि इंटरव्यू भी लिया जाएगा, राइट। इसमें जो आपकी वेटेज होगी वो आपकी फाइनल यहाँ पर 70% तो आपकी एंट्रेंस टेस्ट की होगी और आपकी 30% आपके इंटरव्यू की रहने वाली है। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर नेट या स्लेट के क्वालिफाइड हैं या फिर उनके साथ साथ यहाँ पर जो 2 ईयर का आपका प्रिसीडिंग टाइम है, पीरियड है, वो आपका होना चाहिए, जब भी आपको रिटर्न एग्जामिनेशन में आपके मैक्सिमम 5% कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन आपको होनी चाहिए। इसमें 1200 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस है, ये भी आप देख जरूर लें, राइट। इसके साथ साथ जो लास्ट डेट है वो आपकी 3rd फेब देखने को मिलती है एप्लीकेशन फीस की, और इसके साथ साथ एप्लीकेशन जो सबमिशन है उसकी लास्ट डेट आपकी 4th फेब्रवरी देखने को मिलती है। जो आपका 13 फेब को आपका यहाँ पर टेंटेटिव रिटर्न एग्जामिनेशन भी दिया हुआ है और वेन्यू सिर्फ और सिर्फ कोटन यूनिवर्सिटी ही देखने को मिलता है। थर्ड, इसके बाद जो 4th यूनिवर्सिटी है हमारी, वो 4th यूनिवर्सिटी है आपकी बिट्स पिलानी। बिट्स का नाम काफ़ी अच्छा है और बिट्स से आपकी गोवा हैदराबाद में भी आपकी स्थित है। तो यहाँ पर आपके पीएचडी की प्रोग्राम के लिए एडवर्टाइजमेंट आया है, जिसमें आपकी पिलानी गोवा और हैदराबाद कैंपसेस के लिए रहेगा, ये आपके रहेंगे, ठीक है। इसमें आपका जो ये बिट्स का आपका जो स्ट्रक्चर है या ब्राउजर है वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आप देख सकते हैं। ये काफ़ी रेपुटेड यूनिवर्सिटी है और जो ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं इनमें आपकी यहाँ पर पीएचडी फुल टाइम और पार्ट टाइम एडमिशन लिए जाएंगे, ये आपकी सामने दिख रहा है स्क्रीन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखा शो हो रहा है, ये भी आप देख लीजिए। और इसके अलावा आपके जो एडमिशन पोर्टल है वो आपका स्टार्ट हो चुका है और 5th फेब्रवरी 2021 से पहले पहले आप यहाँ पर फिल भी जरूर कर दीजिए। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो आपके बिट्स एडमिशन वेबसाइट पर आपके शो ऑफ कर जाएंगे। यहाँ पर 10th फेब्रवरी को आपका टेस्ट और इंटरव्यू आपके 18 और 24 फेब के बीच में हो जाएगा, राइट। ये कुछ आपका यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस रहती है, ये आप जरूर देख लें। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी 2600 रुपये फीस होने वाली है, जो कि आपको ऑनलाइन फॉर्म के समय पे करनी होगी, राइट। यहाँ पर जो भी आपके
ह्यूमनिटिक्स के, या फिर आप कह सकते हैं कि टेस्ट वन जो आपका रहेगा उसमें आपके ये कंपोनेंट्स आपके रहेंगे। रीडिंग कंप्रिहेंशन 20 नंबर का, जो कि आपके 5 क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग 10 का, एनालिटिकल रीजनिंग आपके 15 का, जनरल अवेयरनेस का 15 नंबर का होने वाला है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर जो भी आपके सिलेबस है या टेस्ट है वो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, राइट। ये भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। उसके अलावा उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में आपकी पीएचडी की नोटिफिकेशन आई है। इसमें आपकी उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में पीएचडी की नोटिफिकेशन ये कुछ सब्जेक्ट्स में आपकी आई है, जिसमें आपके मास्टर डिग्री में आपके 55 मार्क्स होने चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, और 45% जो भी कैंडिडेट SC ST हैं उनके 45% मास्टर्स में मिनिमम होने चाहिए, राइट। इसके अलावा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो आपकी 21st से स्टार्ट हो गई है, और 15 फरवरी तक आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। 20 फरवरी को आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो कि ऑफलाइन माध्यम से होगा। ये आपका टाइम है इंटरव्यू का, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपके 50% रिसर्च मेथोलॉजी और 50% आपके जो भी सब्जेक्ट कंसर्न है वो आपका देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपकी पीएचडी नोटिफिकेशन आई है, ये आपकी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से आई है। इसमें भी आपका यहाँ पर जो भी कैंडिडेट देख सकते हैं कि आपकी कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपका पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई, और जो कि डेट आपकी 27 जनवरी से लेकर आपकी 23 फरवरी तक देखने को मिलता है, राइट। सभी जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। होप आप इस वीडियो से सभी चीज़ें आपके कंसर्न कर पाए होंगे, और एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हैं आप एक बार डाउनलोड करके फुल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मेरे से मिल सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।